कीबोर्ड ही कीबोर्ड क्या होता है तो हमने इसके बारे में बात की थी। कीबोर्ड बेसिकली इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम आसानी से कोई टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, टाइप किया जा सकता है उसमें से पर करेक्टर सिंबल या न्यूमेरिकल चीजें टाइप कर सकते हैं। किसके माध्यम से? कीबोर्ड के माध्यम से। वो सबसे पहले इनपुट डिवाइस कौन सी थी? कीबोर्ड थी। इसीलिए कीबोर्ड क्या बोलते हैं अपन? जनरल इनपुट डिवाइस या बेसिक इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। किसको? कीबोर्ड को। और कीबोर्ड में 104 की होती है। ये बात अपन ने कल क्लास में भी कर ली थी। आज बात करेंगे माउस की। किस बात करेंगे? माउस की। तो माउस एक क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है ये? पॉइंटिंग डिवाइस है। अब पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है? पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है? पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है? आपने देखा होगा जैसे पॉइंट, मतलब जैसे आपने अगर माउस यूज किया होगा तो इस प्रकार से या एरो बनता होगा या फिर कुछ अपने हैंड का निशान बनता होगा। ठीक है, मतलब जो किसी एक पॉइंट को टच करे, किसी एक पॉइंट को इनपुट के रूप में दे। जैसे आप माउस से माउस को मूव करते हो और किसी एक पॉइंट पे ले जाके क्या करते हो? उस पे क्लिक करते हो। मतलब जिसके माध्यम से हम किसी एक पॉइंट पे क्लिक करें वो क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइस होती है। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके माध्यम से हम किसी भी आइकन को या किसी भी पॉइंट को सेलेक्ट करके उसको ओपन कर सकते हैं। किस माध्यम से? माउस के माध्यम से। ठीक है, माउस भी कई प्रकार के आपने देखे होंगे। माउस तीन प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल, ऑप्टिकल और लेजर। मैकेनिकल, ऑप्टिकल और लेजर। आपने पहले माउस देखा होगा, पहले जो माउस थे उनके नीचे क्या होती थी? एक बॉल टाइप की होती थी। होती थी क्या? पहले वाले जो माउस थे उनके नीचे क्या होती थी? एक उनको मूव करने के लिए, जैसे मान लो माउस को इस तरह मूव करना है तो वो अपन माउस को यूं घुमा देते तो नीचे जो बॉल होती थी वो बॉल मूव करती थी। उसके अनुसार हमारा माउस का जो एरो है वो एरो मूव कर रहा होता था। ठीक है, उसके बाद में क्या आया? मैकेनिकल माउस आए जिसमें क्या आती है, मैं तो एक बात करूं तो मैं उसमें लेजर जो लाइट होती है उस लाइट की मूव के अनुसार हमारा एरो मूव कर रहा था। और आजकल क्या होता है? लेजर लाइट के अनुसार काम कर रहा है। बात करते हैं अपन विदाउट वायरलेस माउस भी आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? सॉरी, वायरलेस माउस। क्या होते हैं? वायरलेस, जिसमें वायर की जरूरत होती है, बिना वायर के ही माउस काम करते हैं उसे बोलते हैं अपन वायरलेस माउस। तो ये कई प्रकार के माउस हमने देखे थे। ठीक है, और आज भी आप यूज में, कई माउस आप यूज में ले रहे होंगे। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके माध्यम से हम किसी भी आइकन को सिलेक्ट करके उसको ओपन कर सकते हैं। किसके माध्यम से? माउस के माध्यम से। माउस क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो माउस के माध्यम से हम किसी भी आइकन को आसानी से ओपन किया जा सकता है। लेकिन माउस का यूज ग्राफिकल इंटरफेस के लिए ही यूज में होता है। किसमें? ग्राफिकल में। अरे अगर हमें कोई चीज दिखेगी नहीं तो हम किस किस को जाके टच करेंगे? है नहीं है? आप माउस से किसी आइकन पे जाके क्लिक करते हो, अगर आपको दिखेगा ही नहीं आइकन तो किस पे क्लिक करोगे? तो माउस का यूज किसमें होता? ग्राफिकल इंटरफेस के लिए ही माउस का यूज ही हुआ है। जबकि तो कीबोर्ड का यूज है, पहले वाले जो कंप्यूटर थे वहां पे भी कीबोर्ड का यूज हो रहा था, लेकिन वहां पे हमारे को आइकन दिखते नहीं थे। वहां पे CUI था, मतलब कंप्यूटर में दो चीज होती है, एक तो GUI एक CUI, करेक्टर यूजर इंटरफेस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आज हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो GUI बेस पे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे, मतलब उसे हमें ग्राफ के माध्यम से दिखाई दे रहा है। आप पहले कोई काम कर रहे थे पहले वाले कंप्यूटर में तो आपको कमांड लिख के देनी पड़ती थी। अगर कंप्यूटर स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए कमांड लिखो कीबोर्ड से। उसमें कोई मूवी ओपन चलानी है तो मूवी से पहले हुआ ही नहीं करती थी। है नहीं है? क्योंकि 3D या 2D इमेज का अपने पास में उस टाइम अस्तित्व में नहीं था कंप्यूटर के अंदर। तो पहले जो काम कर रहे थे वो कमांड की फॉर्म में कर रहे थे। किस फॉर्म में? कमांड की फॉर्म में। जो भी काम करना है कमांड लिख के करो। कमांड किसे करेंगे? कीबोर्ड से लिखेंगे। तो पहले CUI के अंदर कीबोर्ड का यूज होता था और कीबोर्ड के माध्यम से CUI प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर पा रहे थे। लेकिन माउस का यूज ओनली GUI प्लेटफॉर्म पे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्लेटफॉर्म पे ही माउस का यूज ही होता है। अगर आपको कोई चीज दिखेगी नहीं तो क्या माउस को यूज में ले सकते हो क्या? है नहीं है? तो माउस का यूज ही GUI के अंदर यूज हुआ है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? माउस में कोई डाउट है क्या? अरे माउस में कोई डाउट? चलते हैं आगे स्कैनर पे। हाँ नहीं, ठीक है बेटा। हाँ, अगला आता है स्कैनर। क्या आता है स्कैनर? स्कैनर को आपने देखा भी होगा, यूज में लिया होगा। स्कैनर का काम क्या होता है? अगर मैं स्कैनर की बात करूं, हाँ
अगर मैं स्कैनर की बात करूं, देखो आपने, चलो जनरल नहीं देखा होगा तो आपने, एक चीज सिंपल सी बात करूं मैं स्कैनर के बारे में, सभी ने अपने फॉर्म भरे, 10th बोर्ड आप पास आउट हो तो 10th बोर्ड के फॉर्म भरे होंगे, तो 10th बोर्ड के फॉर्म में आपने अपनी जो फोटो थी फोटो स्कैन की होगी, मतलब आपकी जो फोटो थी वो फोटो थी एक हार्ड कॉपी की रूप इसमें थी, हार्ड कॉपी थी। अरे ठीक है, हार्ड कॉपी क्या होती है, कॉपी भी दो होती है, एक तो सॉफ्ट कॉपी एक हार्ड कॉपी। अब सॉफ्ट क्या होता है हार्ड क्या होता है इसके बारे में आपको पहले बताया था स्टार्टिंग और क्लासों के अंदर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है नहीं है। हार्डवेयर क्या होता है जिसे अपन टच कर सकते हैं देख सकते हो क्या होती है, हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं इसका उल्टा होता है जिसे अपन नो टच नो फील, वो क्या होती है सॉफ्टवेयर होती है जिसे अपन टच नहीं कर सकते नहीं छू सकते, सॉरी ना तो देख सकते हैं ना ही उसे टच कर सकते हो, क्या होती है सॉफ्ट होती है। तो कॉपी बात करेंगे तो सॉफ्ट कॉपी, अगर उसमें अपन सॉफ्टवेयर बात करें जैसा जैसे मैं बात करूं हार्डवेयर जिसको हम टच कर सके देख सके वो क्या होता है हार्डवेयर, जिसे अपन ना तो टच कर सके ना ही देख सके वो क्या होता है सॉफ्टवेयर होता है। अगर कॉपी की बात हुई तो जो जिस कॉपी अपन पकड़ सकते हैं वो हार्ड कॉपी, जिसको अपन पकड़ नहीं सकते वो क्या होती है सॉफ्ट कॉपी। जैसे मेरे पास ये बुक है इसको मैंने टच कर लिया पकड़ रखा है तो ये क्या है हार्ड कॉपी है। अब मुझे इसे सॉफ्ट कॉपी में चेंज करना है तो मैं कैसे चेंज करूंगा, तो आपने अगर देखा होगा ये जो बुक है आपकी, ये बुक आपको और अपनी जो साइट है राजस्थान बोर्ड की उस साइट पे मिल जाएगी, तो क्या उस बुक को आप पकड़ सकते हो क्या वहां से। अगर आपको कोई डेटा कोई बुक है, आपको प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो रही है जैसे राजस्थान बोर्ड की साइट पे आपको बुक मिल रही है, क्या वहां राजस्थान बोर्ड की साइट से बुक को टच पकड़ सकते हो क्या, नहीं पकड़ सकते, वहां क्या वो सॉफ्ट कॉपी है। मतलब मैं बात करूँ तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने का काम करता है, क्या करता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने का काम करता है कौन स्कैनर। कैसे, आप मैंने अभी एग्जांपल दिया था, आप फॉर्म भरते हो फॉर्म में आपको फोटो को उस पर अपलोड करना है तो क्या करते हैं फोटो को उस मशीन पे जैसे इस प्रकार की होती है उसमें हम फोटो यहाँ रखते हैं, जैसे यहाँ रखने के बाद इसको ओपन ऑन बंद करते हैं, बंद करने जो की होती है की दबाते हैं किस टाइप के आपको स्कैन करना उस टाइप सेट करते हैं, वो उसको स्कैन करते ही ये जो आपने इसके नीचे अंदर रखा है वो सेम चीज आपके कंप्यूटर सिस्टम में चली जाती है। मतलब हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने का माध्यम मीडियम है कौन स्कैनर। जिसको भी आपको कंप्यूटर सिस्टम में जो चीज चाहिए, आपके पास कोई आइटम हार्ड या हार्ड कॉपी के रूप में है, अगर वो आइटम आपको कंप्यूटर में चाहिए तो कंप्यूटर किस रूप में जाएगा सॉफ्ट कॉपी के रूप में ही जाएगा। ठीक है, जैसे ये बुक मेरे पास क्या है हार्ड कॉपी के रूप में है, जिसे सॉफ्ट कॉपी रूप में चेंज करना है मैं क्या करूंगा इसे स्कैन करूंगा, स्कैन करते ही चीज क्या होगा ये पूरा पेज आपके कंप्यूटर में चला जाएगा, मतलब ये कॉपी एज इट इज कॉपी हो क्या आपके कंप्यूटर चली जाएगी। अब जो कंप्यूटर कॉपी गई है उसे हम ना कम टच कर सकते हैं नहीं उसे हम पकड़ सकते हैं, वो क्या होती है सॉफ्ट कॉपी होती है। ठीक है समझ में आया। हाँ तो इसके अंदर का यूज क्या होता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने के काम में आती है। अब क्या ये इनपुट डिवाइस है क्या, बिल्कुल इनपुट डिवाइस कैसे हुई, अरे कंप्यूटर पे स्कैनर लगा हुआ है आपने स्कैनर में बुक रखी तो बुक से ये चीज पेज कॉपी होके आपके सिस्टम में चला गया, तो मतलब इसके माध्यम से भी कंप्यूटर में इनपुट जा रहा है क्या, यस या नो, अगर जा रहा है तो क्या हुई इनपुट डिवाइस हुई। काम क्या करती है मैंने आपको बता दिया, ये तो बात की अपन किसकी स्कैनर की बात की, यहां तक कोई डाउट स्कैनर में कोई डाउट है क्या अभी। हाँ चले आगे, स्कैनर को डाउट है क्या, ठीक है अच्छी बात है प्रिया। हाँ अगला आता है हमारे पास में इसके अंदर के बाद आता है जोस्टिक। अगर आपने जोस्टिक देखा होगा जैसे छोटे बच्चे गेम इसका यूज से छोटे बच्चे गेम खेलने के लिए यूज करते हैं, छोटे नहीं बड़े बच्चे भी गेम खेल लेते हैं इससे। चलो फिर भी अगर आपने नहीं देखा तो मैं छोटी सी बात करूँ, सबने गाड़ी जरूर देखी, गाड़ी देखी है फोर व्हीलर। हाँ हाँ ठीक है देखिए अच्छी बात है, मतलब अगर आप जोस्टिक नहीं देखा है तो मैं बता रहा हूँ किस प्रकार का जोस्टिक होता है। मैं आपको एक डायग्राम में कुछ करूँ यहाँ पे, कुछ बनाने की कोशिश की है। हाँ इस प्रकार का होता है, हम इसे लेफ्ट में राइट में
ऊपर चारों डायरेक्शन में इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में मूव कर सकते हैं, ठीक है। किसे? इसके जिस तरफ आप मूव करोगे आपका जो गेम में जो कार्टून वगैरह है उस तरफ मूव करते हैं। मतलब सिंपल से अगर मैं बात करूं, जो गाड़ी के गियर का बॉक्स होता है, जो फोर व्हीलर गाड़ी में गियर का बॉक्स होता है, वो एक प्रकार से जोस्टिक का ही होता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे गियर बॉक्स मान लेते हैं एक प्रकार से, अगर आपने जोस्टिक वो नहीं देखा है तो जो गाड़ी का गियर बॉक्स होता है वो गियर बॉक्स ही एक प्रकार जोस्टिक आप कर सकता है। कैसे? आप जैसे गियर बॉक्स से फर्स्ट गियर इधर, सेकंड इधर, थर्ड इधर, फोर्थ इधर, बैक इधर है नहीं है, तो ये जिस तरफ आप इसको मूव करोगे उस तरफ गाड़ी उतनी स्पीड में चलेगी। तो एक प्रकार से क्या होता है, जोस्टिक होते हैं। तो जोस्टिक का यूज बेसिकली हम यूज में किसके अंदर, गेम खेलने में, गेमिंग के लिए यूज में होते हैं, ठीक है। जिसके माध्यम से आप जिस प्रकार से, जैसे जेस्ट क्या होती है, एक हाथ में पकड़ सकते हैं अपने से, और यूं यूं अपने से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम की तरफ मूव कर सकते हैं। जिधर मूव करोगे हमारा कार्टून उधर ही मूव करेगा, उधर चलेगा, ठीक है। तो जेस्ट का यूज बेसिकली गेमिंग के लिए यूज होता है, और ये भी इनपुट डिवाइस के लिए यूज में आ रही है। कैसे? हम लेफ्ट से इस साइड मूव कर रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम में जो कार्टून है वो इस तरफ ही मूव कर रहा होता है नहीं है? मतलब हमारे इसके द्वारा भी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन जा रहा है, आदेश जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा, वो क्या होता, इनपुट। मतलब इसके माध्यम से भी हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम को, ठीक है। तो मैं जो स्टिक, हाँ देखते हैं, हाँ ठीक है, जो स्टिक क्लियर है, क्लियर यहां तक। चलो अगला आता है फिर टच पेन। क्या आता है? टच पेन। अगर मैं टच पेन की बात करूं, ठीक है, आजकल अधिकतर सिस्टम हमारे पास टच सिस्टम आ गए, ठीक है। पहले टच सिस्टम बहुत कम थे, है नहीं है, मतलब हमें कोई कीबोर्ड माउस इनसे ही हमें काम यूज में लेना पड़ता था। आजकल मोबाइल है, कंप्यूटर है, एटीएम है, पेट्रोल मशीन, अधिकतर क्या हो गए, टच पे काम करने लग गए। करते हैं क्या, मतलब आप जो भी स्क्रीन आपको दिखाई देगी उस स्क्रीन के ऊपर हम या तो अपने स्क्रीन से, फिंगर से, या फिर पहले पेन भी, एक पेन टाइप की कुछ आती थी, उस पेन से भी करते, उस पर टिक कर रहे थे, है नहीं। पहले जो मोबाइल चले थे उनमें एक उन टच मोबाइल के साथ एक पिन आती थी, टच मोबाइल का एक छोटा सा पेन आता था, उस पेन से हम उसे टच करते थे, हम उसे फिंगर से टच कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्क्रीन पे जो भी आइकन दिखाई दे रहा है उस आइकन पे अगर टच करते हैं तो टच करते हुए वो आइकन ओपन हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, हमने क्या किया, मतलब इसे टच के माध्यम से इसे इनपुट दिया। वो टच आप पेन से करो, फिंगर से करो, मतलब टच के माध्यम से इसे इनपुट दिया, ठीक है। एक मिनट, हाँ देखो, हाँ तो हम बात करें टच पेन की, तो जो स्क्रीन पे जो भी आइकन होगा उस आइकन को या तो उस पेन से या अपने फिंगर से टच करके उसको इनपुट ही देते हैं, वो क्या होगा, टच स्क्रीन होगा, ठीक है। टच पेन का यूज टच स्क्रीन के पे ही होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि हर स्क्रीन पे अपन टच कर लेते हैं। जैसे आप कोई बार किसी बार टीवी है, क्या टीवी पे अपन टच करते चलता है क्या? अगर आपकी टीवी टच स्क्रीन है ही नहीं तो कैसे काम करेगी? तो टच पेन टच स्क्रीन के ऊपर ही काम करते हैं, जो स्क्रीन टच लाइक होगी उस पे काम करेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, लैपटॉप है या आपके कंप्यूटर है, उनमें टच स्क्रीन अभी है, कई कंप्यूटर में नहीं होती है, अधिकतर कंप्यूटर में टच स्क्रीन नहीं आई अभी तक। तो टच पे क्लिक करेंगे उसकी स्क्रीन पे तो काम नहीं करेगा, क्यों, उसमें टच स्क्रीन नहीं है। तो टच पेन और फिंगर का यूज टच स्क्रीन के ऊपर यूज में आता है, ध्यान रखना चीज भी। चलो करते हैं आगे, ओमार। ओमार को आपने नाम सुना होगा और कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा ओमार होता क्या है, ठीक है। आपने ओमार नहीं सुना तो ओ एम आर सीट जरूर सुना होगा। ओ एम आर सीट सुना क्या नाम? अरे ओ एम आर सीट का नाम सुना है क्या? क्या होती है ओ एम आर सीट? अगर ओ एम आर का नहीं सुना तो ओ एम आर सीट का नाम तो आपने सुना होगा, क्या बता सकते हो ओमार सीट क्या होती है, क्या होती है अपने यहाँ, कुछ आइडिया?
ओएमआर शीट क्या होती है? नहीं पता? जैसे चल मैं बता देता हूँ, नहीं पता होता ना। देखो ओएमआर शीट की बात करता हूँ, है ना। ओएमआर शीट क्या होती है? एक प्रकार से कॉपी होती है, पेच होता है। हाँ, किसी ने आंसर दिया है। ऑप्टिकल मार्क। मेरा आप तो फुल फॉर्म बताने की कोशिश कर रहे हो इसकी, है ना। हाँ नेहा, कौन दे रहा है आंसर? हाँ प्रिया कुछ बोल रही है। हाँ बोलो क्या कहना है। सीट होती है। हाँ बिल्कुल सीट होती है नेहा। कॉपी होती है, हाँ, जिसमें ऑप्शन होते हैं। ठीक है, हाँ अच्छी बात है, कुछ आप बताए। हाँ बिल्कुल, आपका कॉन्सेप्ट लगभग थोड़ा ठीक है। मैं बात करूं तो जो ओमर होता है, ओमर एक सीट होती है, ठीक है। इस सीट के ऊपर ऑप्शनल चीजें होती है, ठीक है, मतलब चॉइस वाले, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव। इसमें क्या होते हैं, जितने भी ऑप्शन, दो तीन चार, कितने भी ऑप्शन अपन ले सकते हैं। जिसमें चार ऑप्शन लिया, ये दो, चार ऑप्शन, ए बी सी डी। इसी प्रकार से मैंने क्या कर दिया, आप पिन के सभी क्या गोले लगा दी, ठीक है। गोले लगा दी, हाँ, इस प्रकार से सीट होती है ना। हाँ, सर्कल फील करना होता है, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ देखो आप समझ रहे इसमें ना, तो ये जो सर्कल्स होते हैं, गोले होते हैं, इनको हम क्या करना है, मार्क करना होता है। क्या करना होता है? मार्क किसके? ऑप्टिकल। किससे? ऑप्टिकल मतलब इंक से। अब इंक हो सकती है आपका पेन, मतलब हम पेन से करते हैं, इसे डार्क करते हैं, जिसे करना होता है डार्क कर दिया, ठीक। ये लो सर, मैंने इसको डार्क कर दिया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, गोले डार्क कर लेते हैं। समझ में आया क्या? मतलब अब ये हमारी क्या है, ओ एम आर सीट है। क्या है? ओ एम आर सीट है, ठीक। अब इस ओ एम आर में जैसे मैंने 5 क्वेश्चन लिए, हो सकता है इसमें 100, 200, 300 क्वेश्चन हो, ठीक है। उनको चेक करना हो तो मुझे बहुत टाइम लगेगा एक ही बंदे को चेक करने के लिए, है नहीं है। अगर मैं आपको एक ओमर शीट दे दूं और बोल दूं इसमें ये आंसर है, तो एक बच्चे को चेक करने में टाइम लगेगा। अब कितनी ओमर शीट चेक करनी होगी, ऐसे बहुत सारी ओमर शीट चेक करनी होगी, उसमें क्या बोलते हैं, टाइम लगेगा। इस ओमर शीट को चेक करने के लिए, रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए जो डिवाइस काम में आती है, उस डिवाइस का नाम क्या है? ओमर। क्या है? ओमर। ओमर की फुल क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, मतलब जो आपने इंक से डार्क किया है इसको पढ़ने वाला, ऑप्टिकल से जो जो आपने इंक से मार्क किया है, डार्क किया है, उसको पढ़ने वाला ओ एम आर कहलाता है, ठीक है। तो इसको कौन पढ़ेगा? ओ एम आर पढ़ेगा, ठीक है। कौन पढ़ेगा इसको? ओ एम आर। आप ओ एम आर एक हार्ड, एक मशीन होती है, उस मशीन में आप ओ एम आर शीट डालते जाओ, वो आपको उसको रीड करके उसका डेटा आपके कंप्यूटर सिस्टम में दे दी जाएगी, ठीक है। जैसे आपने ये ओमर शीट डाले, से उसी का मान नंबर मान लेते हैं, जैसे ये 123 नंबर की सीट है, ठीक है। इस सीट के अंदर कि इसने इतने क्वेश्चन राइट किए, इतने रॉन्ग किए, ठीक है, ये सारी एंट्री आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये दे देगा, इसको रीड करेगा इस सीट को, और पढ़ के इसका डेटा आपके कंप्यूटर सिस्टम में दे देगा। तो ये भी क्या कर रहा है? इनपुट काम कर रहा है, मतलब इस चीज को पढ़ के और इसका डेटा कंप्यूटर सिस्टम में पहुंचा रहा है, कौन? ओएमआर, ठीक है। हम बात करें तो एक ओमार जो मशीन होती है, वो 1 मिनट में 200 से 300 ओमार शीट चेक करती है, 1 मिनट में लगभग एरेज मार्क्स होते हैं, इससे ज्यादा भी आने लग गया आजकल, ठीक है। तो ये होती है ओमार। समझ में आया ओमार में? ओमार को डाउट है क्या? हाँ देखते हैं। हाँ जैसे नीट का एग्जाम होता है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है प्रिया। हाँ कंपटीशन एग्जाम में आती है, बिल्कुल वो वेरी गुड। हाँ कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार की ओमर शीट आती है, ठीक है ना। तो
इस ओएमआर शीट को चेक करने का लगाते हैं अपन है ओएमआर यूज लेते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको पढ़ने वाला, ठीक है। ये कहाँ यूज में आते हैं, आजकल हर कंपटीशन एग्जाम में आपको ओएमआर शीट दी जाती है। उस ओएमआर शीटों को अब आपको पता है कई गवर्नमेंट एग्जाम में 20-20, 30-30, 50-50 लाख फॉर्म लगते हैं, उनको कौन पढ़ेगा, ओएमआर मशीन पढ़ेगी, उनको पढ़ के कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट दे देती है, उससे फिर रिजल्ट ही बना लिया जाता है, ठीक है। कोई डाउट, ये होता है ओएमआर शीट या ओएमआर। अगला आता है बीसीआर। क्या बीसीआर का नाम आपने सुना है क्या, बीसीआर का नाम आपने सुना है क्या, देखा है क्या, इसका यूज कहाँ है, क्या काम करता है ये? अच्छा प्रिया आपने बीसीआर नहीं देखा, ठीक है। नया आपने देखो, मैं दिखाता हूँ आपको कहीं ना कहीं बीसीआर है तो। हाँ देखते हैं। अच्छा नेहा आपने बीसीआर नहीं, चलो बीसीआर नहीं देखा तो सभी ने बिग बाजार या मॉल सिनेमा ये तो आपने देखे होंगे, शॉपिंग सेंटर वगैरह। देखें शॉपिंग सेंटर में से आपने शॉपिंग की होगी, आवश्यकता किसी मॉल में से, बिग बाजार में से, या किसी और शॉपिंग सेंटर में से आपने शॉपिंग की होगी, की है क्या? हाँ ये काम तो आपने जरूर किया है ना, बिल्कुल। और तो पता नहीं किया नहीं, के लिए ये काम आपने जरूर किया है, शॉपिंग वाला काम पहले करते हो आप लोग। चलो हाँ वेरी गुड, करिए अच्छी बात है, करिए। तो फिर आपने शॉपिंग भी की है फिर भी आपने बीसीआर देखा नहीं, ये तो अचंभे वाली बात है। मतलब आपने देखा तो है, हमें पता नहीं सर ये बीसीआर होता है, अरे पता है क्या? चलो अब आपसे ही जाने की कोशिश करूंगा, आप बताओगे मुझे थोड़ी देर में। हाँ हाँ नहीं ठीक है। आपने कोई भी प्रोडक्ट शॉपिंग सेंटर से परचेज किया, कुछ भी एक्स वाई जेड, आपके क्लोथ कपड़े हो, पेन कॉपी, कुछ भी आपने वहां से शॉपिंग की है। अब आपने 10-20 आइटम जो भी शॉपिंग की है, कैश काउंटर पर जो बंदा बैठता है उससे क्या पता कि ये जो आपने आइटम लेके आए ये आइटम इतने पैसे का है? अब ये तो नहीं है कि शॉपिंग सेंटर में 10-20-50 100 आइटम होते हैं तो उसकी प्राइस उन्हें पता होती है, बहुत सारे आइटम होते हैं, उन आइटम प्राइस पता होना एक जने को पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरी चीज, उनमें अभी क्या छूट चल रही है, कितना परसेंटेज डिस्काउंट चल रहा है, वो डिस्काउंट का कैसे पता चलेगा, उसे कैसे पता लग रहा है कि ये इसकी प्राइस क्या है, इसमें डिस्काउंट क्या चल रहा है, कौन बताता है उसे? आप बताते हो या फिर वहां कोई जो डिलीवर करने वाला है, कोई यहाँ पे शॉपिंग सेंटर घुमाने वाला जो बंदा होता है वो बताता है कि इसकी ये प्राइस है, कौन बताता है फिर? मैसेज तो बहुत सारे आ गए। हाँ मशीन होती है ना, कौन सी मशीन होती है? अच्छा टैग होता है, हाँ नेहा ने कहा टैग होता है, प्रिया ने कहा मशीन होती है, स्कैन करते हैं कोई मशीन। अच्छा कैश काउंटर पर, कैश काउंटर वाला बंदा स्कैन करता है, देखो क्या स्कैन करता है, स्कैन तो स्कैनर करता है ना, स्कैन तो स्कैनर करता है ना, फिर क्या पूछ रहे हो आप? अभी एक लड़की ने कहा था नेहा ने कि उस पर टैग लगा होता है, मान लिया टेक लगा होता है, ठीक है, कि जैसे आप कोई चीज परचेज कीजिए, मान लिया आपने कोई बोर्ड परचेज किया, इस बोर्ड के एक पट्टी लगी होती है कोई भी पेज टाइप में, इसमें उसमें कुछ लिखा होता है, मान लेते हैं उसमें प्राइस लिखी होती है, कई प्रोडक्ट प्राइस भी नहीं लिखी होती, ठीक है, तो भी उससे क्यों चला कि इसकी प्राइस ये है? स्क्रीनशॉट भेजा आपने नेहा ने, देखते हैं क्या भेजा है। वेरी गुड शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नेहा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ
शायद नहीं बेटा, वेरी गुड, शाबाश, अब समझो, अब समझना ना, मैं बात करता हूँ आपको इसकी। कैसे? अब क्या जो ये बुक्स होती है ना, ये तो क्या गवर्नमेंट की बुक्स होती है, तो इन पे तो बीसीआर होता नहीं। बाकी आप कोई भी आइटम लोगे ना, प्राइवेट आइटम, उन पे बार कोड होते हैं। बार कोड का मतलब होता है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारी बारीक लाइनें होती है। हो सकता है ये होरिजेंटल हो, हो सकता है ये वर्टिकल, इस प्रकार की। हर आपको हर प्रोडक्ट पे मिलेगी चीजें, मिलेगी क्या, कोई सा प्रोडक्ट लेना उस पे मिल जाएगी आपको, लगभग वही चीज मिल जाएगी। इसके अंदर लिखा होता है क्या, उसकी प्राइस, कंपनी, डिस्काउंट, सब चीज में होता है। अब इन लाइनों को हम तो पढ़ नहीं सकते, क्या ये लाइन क्या कह रही है, न्यू कौन पढ़ेगा? बीसीआर। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? बार कोड रीडर। क्या होती है? बार कोड रीडर। बार कोड रीडर मतलब इन लाइनों को पढ़ने वाला होती है। कि लाइनें आप कोई भी आइटम लोगे, ये लाइनें होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर मेरे पास ये इंक वाली है, देखो इस इंक वाली के ऊपर दिख रहा होगा आपको, लाइन दिख रही है क्या? ये देखो यहाँ पे दिख रही है। अब इन ये इंक की प्राइस क्या है, कौन सी कंपनी, क्या डिस्काउंट है, सब कुछ वो इसको रीड करता है, इसको रीड करता है, ठीक है। इनको रीड करने के लिए क्या चाहिए हमारे को? बीसीआर मशीन चाहिए, बार कोड रीडर मशीन, ठीक है, समझे यहां तक? हाँ, ये भी स्कैन करती है, ठीक है, यस यस यस, ओके, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो, अब सर आपने भी थोड़ी देर पहले कि नेहा ने एक स्क्रीनशॉट भेजा है, मशीन कुछ ऐसी थी, बनाने की कोशिश करूंगा, बनने की जो मेरे साइड, चलो जो से भी है ऐसी कुछ होती है। हाँ मान लेते। अब यहां से क्या होता है, एक लाइट निकलती है, उस लाइट का नाम होता है लेजर बीम। क्या होती है? लेजर बीम होती है, लेजर लाइट होती है। ये लेजर लाइट जिसे बोलते हैं रेड लेजर लाइट, क्या होती है? रेड लेजर लाइट होती है, रेड। आपने देखा होगा इस मशीन जो लाइट निकलती है डार्क कलर की होती है क्या, वो रेड लाइट इन लाइंस के ऊपर डल जाती है। जैसे वो लेट डलेगी तो इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस उसका इनपुट ये कोड रीड करेगा, और रीड करके उसकी इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर सिस्टम में चली जाती कि ये प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट का नाम ये है, इस प्रोडक्ट की प्राइस ये है, इस कंपनी का है, इतना डिस्काउंट और कितने परसेंटेज पेमेंट लगे इसका, ठीक है। ये सारी एंट्री ऑटोमेटिक सिस्टम में चली जाती किससे, इस मशीन के द्वारा, ठीक है, विदाउट। हाँ क्या कह रहे हो नेहा आप? बिल निकालते हैं? अच्छा इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालते हैं बेटा, वो अलग चीज है, ध्यान रखना, वो आउटपुट या प्रिंटिंग मशीन है जिससे बिल निकालते हैं, ठीक है। वो इनपुट नहीं दे रही है, वो आउटपुट दे रही है, ठीक है। आपने क्या किया उस मशीन में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालती है, उस मशीन में क्या किया, आपकी जो भी मतलब जो मीटर है आपका, इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर है, उस मीटर का नंबर भी, मीटर का नंबर क्या है, जो आपका कस्टमर आईडी होती है, वो नंबर डालते हैं। तो आप कितने यूनिट आई है अभी प्रेजेंट में आपने, जैसे मान लीजिए 500 कुछ 60 यूनिट आई है, पहले कितनी थी, पहले 320 यूनिट थी, टोटल कितनी हो गई, पहले 320 थे 560 आ गई, मतलब आपने क्या कर लिया, लगभग 240 यूनिट अभी आपने यूज में ले ली। पहले 320 थी, अब अभी 560 आ गई, मतलब 240 यूनिट आपने लाइट यूज में लिए। तो इस 240 यूनिट का बिल वो बना के आपको एक पेज पे प्रिंट करके देता है, ठीक है। तो आपने सारे डेटा जो एंट्री की है किससे की है, या तो टच के माध्यम से की है, मतलब टच के माध्यम से, या तो कीबोर्ड के माध्यम से, उसमें आपने वैल्यू इनपुट करवाई है, इनपुट करा के आपको सारा डेटा क्या मिला, एक पेज पे मिला है। तो ये पेज क्या है, हार्ड कॉपी है, मतलब प्रिंट है, तो ये आउटपुट डेटा है, आउटपुट आप बनेगा, आउटपुट पढ़ेंगे अपन बाद में, इसे पढ़ेंगे अपन प्रिंटर, ठीक है, विदाउट। तो जो मशीन होती है इलेक्ट्रिसिटी वाली, ये इनपुट
काम भी कर रही है तो आउटपुट का काम भी कर रही है। कैसे? इनपुट आपने टच के माध्यम से, उसमें जैसे आप चल अपन मोबाइल से भी निकालते हो, तो मशीन होती है उस मशीन में डालते हैं अपन। जैसे आपने टिकट बुक किए होंगे, किसी भी बस के अंदर है नहीं है तो टिकट बुक के अंदर होते हैं आप उस कीबोर्ड से, वो क्या करता है 20 का 30 रुपये आपका टिकट बनाता है और उसके ऊपर से आपका जो पर स्लिप होती बन जाती है, निकल जाती है। आपने उस मशीन से इनपुट भी दिया और उसी मशीन से आपको आउटपुट भी मिल रहा है। मिला नहीं मिल रहा, इनपुट दिया और आपको आपका टिकट मिल गया, ठीक है। तो क्या होती है, दोनों काम करे, इनपुट और आउटपुट दोनों काम करे, ठीक है। इनपुट काम क्या कर रहा है, कीबोर्ड के माध्यम से या टच के माध्यम से काम करेगी। आउटपुट का काम क्या कर रही है, प्रिंट दे रही है आपको, ठीक है। चलो और कोई डाउट? हाँ, और कोई डाउट है यहाँ आप? ये आपको नहीं है, ठीक है, ठीक है प्रिया, ओके नहीं, चलो कोई डाउट यहाँ तक, अच्छी बात है। ये हुआ BCR, अब चलते हैं MICR। इसका नाम सुना होगा आपने, MICR का क्या होता है? MICR का नाम सुना है क्या, या फिर कहीं देखा है क्या? इसको आपने देखा तो नहीं है, मैं सुना जरूर होगा इसके बारे में, क्योंकि ये आपकी, हाँ ठीक है प्रिया, आप क्योंकि ये आपकी पहुंच से दूर है, ठीक है। फिर भी अगर आपने नॉलेज है तो मुझसे शेयर कर सकते हो कि MICR होता क्या है। चलो मैं बता देता हूँ आपको, है ना। अच्छा, आपने चेक, देखते हैं, अच्छा स्क्रीनशॉट भेजा नेहा ने, ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखो, हाँ नेहा समझो, आपने चेक जरूर देखे हो, देखें, अरे चेक तो अपन देखते होंगे, आपका होगा नहीं तो पापा का, पेरेंट्स का, जिसका भी आपने चेक काम में लेते होंगे। मतलब आपने क्या किया, जैसे आपकी स्कूल स्कूल के अंदर भी हम चेक लगा देते हैं कि सर ये लो चेक, जो भी आपका पेमेंट है स्कूल का, जितने का आप चेक भर के दे देते। अब आपने क्या किया, आपने अपना चेक बना के, मान ला कि आपका चेक SBI बैंक में, आपका अकाउंट तो SBI बैंक का है, आपका चेक होगा, जिस बैंक का अकाउंट है वही बैंक शाखा आपको क्या देगी, चेक देगी। ये तो नहीं है कि आपका अकाउंट SBI में है, आप पंजाब से चेक लेके आ गए, आपके अकाउंट, आपके जो अकाउंट नंबर है उसी का ही चेक होता है, अकाउंट नंबर का ही चेक बनेगा। अकाउंट में क्या होगा, कौन सी ब्रांच के, जिस ब्रांच का है उसी शाखा या उसी ब्रांच या उसी संस्था से SBI है का ही चेक, क्योंकि वहां पे उस पे आपके अकाउंट नंबर प्रिंट होते हैं उस चेक पे, ध्यान रखना चेक पे अकाउंट नंबर प्रिंट होते हैं, ये इस अकाउंट नंबर का चेक है, ठीक है। उस अकाउंट नंबर से ये पता चलता है मैं, हाँ ये डीबीएस बैंक में होती, पहली चीज तो अच्छी बात है, जिस ब्रांच का जिस अकाउंट नंबर का चेक होता है उस अकाउंट नंबर से हमें पता चलता है ये किस ब्रांच का, कौन सी संस्था का है और कहाँ का है, ब्रांच कौन सी जगह है, ठीक है। इससे आपने क्या किया, चेक लाके, हाँ बेटा बताऊंगा अभी शांति रखो, हाँ प्रिया मैं फुल फॉर्म बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा, पहले एक बात कंटिन्यू वन बाय वन में चल रहा हूं, अगर टॉपिक कंप्लीट हो जाए ठीक है, उसके बाद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन बचे तब पूछना मेरे से, ठीक है। अभी मैं MICR पढ़ा ही रहा हूँ, जैसे ही आगे वाले टॉपिक पे चला जाओ फिर इसमें कोई चीज छूट जाए तब बोलो सर आपने बताई थी, ठीक है सब चीजें बताऊंगा, लेकिन वन बाय वन कंटिन्यू चलूंगा, ठीक है। देखो हाँ हम कहाँ पे थे, हाँ मतलब जिस भी ब्रांच का बैंक है, सॉरी जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उसी ब्रांच का आपको चेक मिलेगा, चेक बुक के ऊपर, चेक के ऊपर आपके अकाउंट नंबर होते हैं, आपने उस अकाउंट चेक में नीचे जो पेमेंट होता है डाल दिया, 5,000 10,000 डाल दिया, किसे पे कर रहे हो, किसको दे रहे हो, किसको दे रहे हो चेक,
जिसे आपने स्कूल में दिया, तो स्कूल का या तो स्कूल का या किसी जैसे सर का जो भी नाम है जिस पे भी, या तो स्कूल के नाम से अगर अकाउंट है तो उन्हें जो सर के नाम से आपने चेक बना के दे दी, जिस भी नाम से जिस नाम से चेक बना रहे हो उस नाम का अकाउंट बैंक में होना चाहिए। ये नहीं जैसे आपने चेक बनाया मेरे नाम से बना दिया, मान लेते कि हर तौर पे मेरा बैंक में नाम शंकर है, आपने शंकर चौधरी लिख दिया पूरा, तो चेक रिजेक्ट होगा। जिस नाम का बैंक में अकाउंट है उसी नाम का चेक, ठीक है, आपने चेक बना दिया, ठीक है, बना दिया, दे दिया सर। अब जैसे ही सर उसको अपने खुद के बैंक में लगाएंगे, लगा दिया, अब बैंक वाले को क्या पता है कि जो चेक आया है कौन से बैंक का है, कौन सी ब्रांच का है नहीं है, और ये कब तक डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। इन चीजों को रीड करने के लिए प्रत्येक चेक के नीचे, सभी चेकों के नीचे दाग में एक चीज होती है, कुछ सिंबल्स होते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, इस प्रकार के होते हैं। कुछ इस प्रकार सिंबल्स होते हैं, लाइंस होती है, ये चार चीज होती है, ऐसे चार सिंबल्स होते हैं, ऐसे इनको पढ़ने के लिए 0 से 9 तो नंबर होते हैं, बाकी 3 सिंबल तो मैंने बना दिए, 1 सिंबल और है, ये 4 सिंबल इन चीजों को पढ़ने के लिए। इसमें सबसे छिपी छिपी होती है ब्रांच का नाम, ब्रांच की कौन सी ब्रांच की शाखा कहाँ पे है, और उसका अकाउंट होल्डर का नाम जो भी होता है, सब चीजें इसमें होती है। तो इसको रीड करता कौन, MICR। MICR में ये चेक डालते हैं, वो इन लाइनों को रीड करेगा, बताएगा कि ये जो चेक है इस ब्रांच का है, इस बैंक का है, तो वो बैंक वहां से क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, छटनी हो जाएगी बैंक में, चेकों की छटनी हो जाएगी। अब बैंक में बहुत सारे चेक होते हैं, तो चेक को छटनी कर देगा, ये तो एसबीआई बैंक के चेक हो गए, ये पीएनबी के हो गए, ये बीओबी के हो गए, बीओआई के चेक हो गए, छटनी हो गई। फिर वो उन चेकों को उन ब्रांचों में रिक्वेस्ट भेजते हैं कि इस चेक को हम यहाँ से डेबिट करेंगे, हमारे इस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये कब पॉसिबल हुआ, जब उसने चेक की पहचान की, तो चेक की छटनी का काम कौन करता है, MICR करता है, और इसका यूज बैंकों में ही होता है, ठीक है। इसकी फुल होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, जो ये सिंबल्स होते हैं ना ये मैग्नेटिक इंक के होते हैं, इनको पढ़ने का काम कौन करता है, ये करता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। समझ में आया कि डाउट, अब MICR को प्रॉब्लम है तो मैं से पूछ सकता है, अन्यथा हम आगे चलते हैं। अब MICR को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है मेरे को, अन्यथा हम आगे चलते हैं। अच्छा नेहा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। प्रिया, आपको, आप फुल फॉर्म पूछ रहे थे, उसके अलावा कोई और डाउट है तो पूछ सकते हैं मेरे से। अच्छा देखते हैं क्या है। अच्छा डाउट नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। BCR बार कोड रीडर, ओमर ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, अगला आता है वेब। अब एक चीज, MICR इनपुट डिवाइस कैसे हुई, क्योंकि ये आपके चेकों की छटनी करके उसका डेटा कंप्यूटर सिस्टम में दे रही है, ये चेक जो इस नंबर का चेक है, इस बैंक का है, इस ब्रांच का है, ये शाखा यहाँ, और इतने का आपका चेक बन, तो ये कंप्लीट डेटा आपके सिस्टम को पहुंचा रही है, इनपुट काम कर रही है, मतलब उस मशीन से चेक आप डाल रहे हो तो उसकी एंट्री होकर वो आपके सिस्टम में पहुंचा रहे कि ये चेक इस ब्रांच का, इस बैंक का है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। वेब कैमरा क्या होता है, जैसे हम बात करेंगे, अभी अपनी क्लास कंटिन्यू, लाइव क्लास चल रही है, राइट। अब लाइव क्लास के अंदर मैंने जो पढ़ा रहा हूं यहाँ पे सामने व्हाइट बोर्ड पे, और मेरी इमेज आपको लाइव दिख रही है क्या, यस या नो, मतलब ये डेटा आपको दिखाई कैसे दे रहा है, मतलब कैमरा इस चीज को कैप्चर कर रहा है, कैप्चर कर रहा है,
कैप्चर करके आप तक पहुंचा रहा, मतलब ये डेटा इनपुट के रूप में लिया नहीं लिया, तभी तो आपको दिखाई दे रहा है नहीं है। अरे जो मैं कह रहा हूं ये चीज, अगर आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे छपा हो सब कुछ बना हुआ है, ये आप तक किस प्रकार से पहुंच रही है? कैमरे ने क्या किया, इसको कैप्चर किया, इनपुट के रूप में ले रहा है और आप तक पहुंच रहा है नहीं है। तो वेब कैमरा क्या होता है, इनको कैप्चर करने का काम करते हैं। जैसे इसका यूज अगर मैं बात करूं तो वेब कैमरे का यूज कहाँ होता है, वेब कैमरे का एक यूज तो मैं बता ही दिया, जैसे लाइव क्लास के लिए आप ले रहे हो। दूसरी चीज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर, वीसी के अंदर इसका यूज होता है, और सेमिनार या फिर वीडियो कॉलिंग के अंदर भी इसका यूज होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो वीडियो कॉलिंग के अंदर भी वेब कैमरा का यूज होता है। जैसे पहले कंप्यूटरों के अंदर भी वेब कैमरा नहीं होता था, लेकिन लैपटॉपों में कैमरा आता था ऊपर, ठीक है, उसी डिस्प्ले में कैमरा आ रहा है। तो आप कॉलिंग करते हो वो कैमरा ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑन हो जाता है, और आपकी जो भी इमेज उसमें होता है, और इसका मैक्सिमम यूज करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो कॉलिंग के लिए यूज में लेते हैं, ठीक है। ये भी अगर इनपुट का काम कर रहा है, क्लियर क्लियर क्या तक, क्या पूछ रहे हो आप नेहा, सेमिनार क्या होता है? अच्छा बेटा देखो, आज सेमिनार क्या, पहले तुम क्या होते, जैसे हमने बात कर ली, जैसे मैं एक चीज बताऊं आपको सेमिनार के लिए, कि आपको कोई चीज एक्सप्लेन करनी है, क्लास को तो हम रोज एक्सप्लेन कर लेते, जैसे दोस्त पांच से स्कूलों के बच्चे या किसी मैनेजिंग स्टाफ को बुलाकर उसके कुछ उनको नई टेक्नोलॉजी बारे बताना चाहते हैं, उनको एक जगह बिठाकर उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, उसका सेमिनार, उस टॉपिक का सेमिनार लेते हैं, ठीक है। तो सेमिनार तो वैसे तो ऑफलाइन भी होता है, ऑफलाइन होता है तो इसकी जरूरत नहीं है, और ऑनलाइन हो तो आजकल जो कोरोना काल है उसमें ऑनलाइन अगर सेमिनार लें तो उसमें क्या होगा, वीसी के द्वारा लेंगे, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आज काम होता है। आजकल जो अपने सीएम पीएम जो भी बात करते हैं सब वीसी के द्वारा हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हो रहा है, क्यों, क्योंकि आजकल जो भी कोरोना काल में भीड़ ये इकट्ठा नहीं करते, 2 गज की दूरी रखते हैं, 2 गज की दूरी के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं होती, तो क्या करते हैं वीसी के द्वारा ही अधिकतर मीटिंग्स लेते हैं, ठीक है, वीसी के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। चलो आगे चलते हैं, ओके ठीक है, कॉन्फ्रेंस। अगला बात करते हैं अपन स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड क्या होते हैं, आपने देखे भी हैं, यूज भी आप लेते हो, क्या होते हैं स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड का चलो यूज तो बता दोगे आप, ये इनपुट डिवाइस क्यों है, ये क्वेश्चन आपसे है, आप बताओगे। एटीएम कार्ड कहा आपने, एटीएम कार्ड स्मार्ट कार्ड है, ठीक है, इसके अलावा एटीएम कार्ड के अलावा कोई और दूसरा स्मार्ट कार्ड है? क्रेडिट कार्ड, अच्छा ठीक है, और इसके अलावा, और देखो देखते हैं वो किसका आंसर आता है। नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ आपको ना, क्योंकि आपने स्मार्ट कार्ड के अंदर, चलो आपने, हाँ सर जो पैन कार्ड का, ठीक है सुनो, बेटा पैन कार्ड को अपन स्मार्ट कार्ड नहीं कह सकते, ठीक है, आजकल तो अगर मैं अगर आपने देखते हैं आधार कार्ड नहीं बेटा, आधार कार्ड स्मार्ट कार्ड,
जैसे आपने आपका मतलब ये हुआ, जहां तक मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, कि जो भी डेटा हार्ड पेज पे एक कार्ड पे प्रिंट हो जाए वो क्या है स्मार्ट कार्ड। आपका मतलब मैंने नहीं कहा, मैंने आपकी फीलिंग समझने की कोशिश की, उसका मतलब ये। अब देखो पेन कार्ड आधार कार्ड आपने कहा, ठीक है, इसमें पेन कार्ड हार्ड आता है, मतलब हार्ड पेज को आपने क्या कहा स्मार्ट कार्ड का। पेन कार्ड में क्या होता है, पेन नंबर, उसका पेन कार्ड और नंबर, अकाउंट नंबर सॉरी नाम, पेन कार्ड नंबर, ये चीजें होती है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये स्मार्ट कार्ड है? ये तो ओनली आपके पेन कार्ड के डेटा इस पे स्टोर है, ये पेन कार्ड इस नाम का है, इसके पेन नंबर ये है, और इसका कोई यूज है क्या? नहीं। स्मार्ट कार्ड वो होते हैं जो आप उसके द्वारा कोई ना कोई इनपुट आगे तक पहुंचाए, इसी को अपन देख सकते हैं, हाँ इसका नाम ये है, इसका ये नंबर ये, ठीक है, आधार नंबर है, उसी को आधार नंबर पढ़ लेंगे, क्रेडिट कार्ड, रुपए कार्ड, जैसे और बात करूं तो मैं आजकल जो मेट्रो में सफर करते हैं तो मेट्रो कार्ड बना लेते हैं, तो मेट्रो कार्ड पे अगर तो उसको कार्ड देते हैं, वो कार्ड पढ़ लेता है कि इस कार्ड के अंदर 1 महीने रिचार्ज हो रखा है, वो आपको सफर करने देते हैं, है नहीं है, वो होते हैं स्मार्ट कार्ड। क्या होते हैं स्मार्ट कार्ड? जिसके माध्यम से हम सिस्टम को इनपुट पहुंचा रहे हैं, सिस्टम को इनपुट पहुंचा रहे हैं, जैसे आप डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड यूज करते हो, एटीएम कार्ड एटीएम मशीन लगाते हो, एटीएम कार्ड पढ़ती वो आपसे अपना पिन नंबर मांगता है, पिन नंबर दर्ज करते हो, पिन नंबर पढ़ती हो आपको जो बैलेंस अकाउंट जो भी आप जाना चाहते हो चीज आपसे मांग, उससे क्या पता कि ये एटीएम इस ब्रांच का है, इसमें इतने पैसे हैं, मतलब आपने वो कार्ड लगाती उसकी एंट्री उसने रीड कर ली, रीड कर ली करी नहीं करी, मतलब ये स्मार्ट कार्ड यूज में हो रहा है। इस बार डेबिट क्रेडिट कार्ड है जो मैंने आपको बार बार बात की, कौन सी एक मेट्रो की जो कार्ड बनाती हूँ बात की, आजकल बहुत सारे स्मार्ट कार्ड बन रहे हैं, आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हो वो भी क्या करते हैं आपको, सर आप एक कार्ड परचेज कर लीजिए हमारे इस कंपनी का, आपको अगले बार जब ये कार्ड से आप पेमेंट करोगे ये कार्ड यूज में लोगे तो आपको इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, है नहीं है, ये सारे कार्ड क्या है स्मार्ट कार्ड के रूप में यूज में आते हैं, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? तो ये सारे हमने क्या पढ़े देखते हैं, हाँ पास टेक भी बेटा, हाँ बिल्कुल पास टेक का कार्ड है वो भी हो सकता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल 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 ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटा ठीक है, लेकिन पास टेक में अगर मैं बात करूं तो पास टेक जो जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है वो अलग टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन वो भी पास टेक भी क्या है इनपुट का काम कर रहा है, इनपुट के अंदर उसमें यूज में ले सकते, जो पास टेक को रीड करता है वो क्या होगी इनपुट डिवाइस होगी, ठीक है। तो चलते हुए टोल टैक्स पे हमारे जो गाड़ी का जो फास्ट टैग लगा था उसको हिट करके उसकी एंट्री उस सिस्टम तक पहुंचाता है, ठीक है। तो आज हमने बात की कौन सी इनपुट डिवाइस की बात की, और लगभग लगभग सारी इनपुट डिवाइसों की हमने बात कर ली है, आपके सिलेबस में नाम दे रखे हैं, हमने इनको एक्सप्लेन भी कर लिया कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या काम करती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना करेंगे, अगली बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो करेंगे अपन सीपीयू के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हाँ बेटा क्या बचा है, किसने कहा था, हाँ नेहा आपने कुछ कहा था, कौन सा बचा हुआ है, जो भी बचा हुआ है अगर आपको लग रहा कोई चीज बच गई तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, हम और बात कर लेंगे, ठीक है, बाकी आज के लिए इतने, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके थैंक एवरी स्टूडेंट, हाँ क्लास कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, ओके।